एसडीएफ न्यूज स्वागत करता है आपका 10 बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं आजाद। बिहार में समस्याओं का निदान को लेकर सत्ता और विपक्ष दो दो हाथ करने के मूड में है। अब कम ही समय शेष बचा है चुनावी शंखनाद में, और कोरोना के साथ बाढ़ बिहार में बाहर है। नीतीश कुमार है के नारे को चुनौती दे रहा है विपक्ष। खस्ता हाल होते हुए भी सत्ताधारी दल के नेता कह रहे हैं कि बिना भेदभाव के नीतीश ने सबों का विकास किया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने फिलहाल बाढ़ की विभीषिका को गंभीरता पूर्वक सुलझाने में लगे हैं। वे गंडक नदी के साथ ही उत्तर बिहार के तमाम बाढ़ पीड़ितों तक राहत कार्य तेज रखने का आदेश दिया है। अब बिहार अपने अतीत के लालू यादव शासन की ओर ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि आज यहां विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। यह कहना है सांसद ललन सिंह का। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता मौजूदा समय के विकासवादी सिद्धांत के बारे में जनता के बीच जाकर बताए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से जानना चाहा कि प्रति 10 लाख की आबादी पर बिहार में कोरोना जांच कार्य क्यों पिछड़ रहा है। उन्होंने बाढ़ राहत में भी पिछड़े होने का आरोप लगाया। कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लाने का निर्देश का पालन धरातल पर कारगर सिद्ध हो, इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जांच का दायरा प्रतिदिन 20,000 तक पहुंचाया जाए। एनडीआरएफ के साथ जब से हेलीकॉप्टर सेवा बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध हुई है, तब से लोगों तक सरकारी सुविधा मिलने लगी है। अभी भी राहत की चाहत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों तक लोगों के बीच पहुंचना एक चुनौती से कम नहीं है। मधुबनी जिले के कोई दर्जन भर पंचायतों का बाढ़ के कारण हाल बदहाल है। जयनगर क्षेत्र में कमला नदी के चलते परेशानी है, तो वहीं बेनीपट्टी अनुमंडल के क्षेत्रों में अधवारा समूह की नदियों तथा घनघोर बारिश ने पाली पंचायत समेत कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दी है। उत्तरबारी टोला, बरदाहा, रानीपुर, उच्चैठ स्थान के लोगों को राहत की दरकार है। आज सोमवार होने के चलते शिव भक्तों की उत्कंठा अधिक बढ़ गई है। सावन माह सोमवारी की प्रतीक्षा लोग करते हैं, क्योंकि इसी माह कांवरियों का रेला देवघर की ओर बढ़ता है। लेकिन कोरोना संक्रमण ने भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दिया है। ऑनलाइन व्यवस्था का ही लाभ भक्त उठा पा रहे हैं। पूर्व सांसद एवं जाप प्रमुख पप्पू यादव ने जिस प्रकार इस बाढ़ की त्रासदी के बीच मोतिहारी, गोपालगंज समेत अन्य कई क्षेत्रों में जाकर लोगों का दुख दर्द बांटा, उसकी तारीफ क्षेत्रीय जनता भी कर रही है। वे जहां भी जाते भारी संख्या में लोगों की सहभागिता पाते। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर सभी भारतीयों के मन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 5 अगस्त को निर्धारित भूमि पूजन के अवसर के लिए सभी तैयारियां लगभग युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसमें पटना स्थित महावीर मंदिर ट्रस्ट ने भी पूरा सहयोग किया है। तो अब तक 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए एसडीएफ न्यूज के साथ, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।